समधि, धी का मतलब हमने बताया था ना बुद्धि, समधि मतलब क्या होता है, धी मतलब धियो यो न प्रचोदयात, धी मतलब बुद्धि और समधि मतलब हमारी और तुम्हारी बुद्धि, हमारी और तुम्हारे विचार जब एक हो जाए, सम हो जाए, एक विचार वाले को समधि बोलते हैं, जो विचार हमारा उसी विचारधारा के आप, जैसे हम गाय को माता मानते हैं तो आप भी गाय को माता मानते हैं, हमारे घर में पूजा होती है आपके घर में भी पूजा होती है, हमारे घर में भी भोग लग के लोग खाते हैं तुम्हारे घर में भी भोग लग के खाते हैं, तो तुम्हारे घर से हम रिश्ता कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारे और हमारे विचार लगभग लगभग मिल रहे हैं। इसलिए पहले सबके घर विवाह नहीं होता था, विचारों का मिलना ही, शरीर का मिलना पति पत्नी नहीं है, विचारों का मिलना ही रिश्ता है मेरी माँ। क्या क्या बताएं हम आपको, समधि मतलब एक सी एक सा विचार, एक सा विचार मतलब कि हमारे घर की बेटियां भी अपने बड़ों का सम्मान करती हैं और तुम्हारे घर की बेटियां भी अपने से बड़ों का सम्मान, तुम्हारे घर में भी इज्जत समाज में तुम्हारी है, हमारी भी इज्जत है, तुम भी गाली गलौज का प्रयोग नहीं करते, हम भी नहीं करते, तो हमारा तुम्हारा संबंध हो सकता है क्योंकि तुम्हारे और हमारे विचार समान है। तो धी मतलब बुद्धि, सम मतलब एक से विचार, तो समधि, तो समधि का मतलब है एक सी विचारधारा। शादी विवाह कहाँ करना चाहिए छोरा छोरियों का, जहां दोनों एक से विचार वाले हों। किस किस को बात समझ में आ गई, शादी विवाह छोरा छोरियों का कहां करोगे, एक विचार। सुनो, ज्यादा धन्ना सेठ के यहां ना बेटी ब्याह देना, वरना धन्ना सेठ को तुम बेटी ब्याहोगे तो वो सारी जिंदगी ताने मारेगा, कहेगा क्यों तुमने बाप के घर में ये देखा है, वो रबड़ी खाएगा तो पहले ताने मारेगा तुम्हारी बेटी को, क्यों तुम्हारे बाप ने कभी खाई है। धन्ना सेठ लोगों को एक अलग ही एटीट्यूड होता है, जैसे वो लड़की से ससुर ने क्या बोल दिया कि जरा बेटा पानी ले आओ मेहमानों के लिए, तो तलाक दे दिया, मतलब हमारी औकात नहीं जानते तुम, हमारे यहाँ तो आगे पीछे 10 नौकर घूमते हैं, हमसे पानी का कह रहे हो। सोचिए ये तो इंसानियत है भाई साहब, आपके घर कोई आए तो पानी वानी तो सामान्य बातें हैं। अपनी बेटियों को ना जूजू ना बनाना मेरी माँ, सीता जैसी मजबूत बनाना अपनी बेटियों को, हर परिस्थिति में रह सके, हर दिन एक से नहीं होते, ना सुख ही सुख रहेगा ना दुख ही दुख रहेगा, दुख सुख उतार चढ़ाव है, जैसे दिन रात आएगा, आज अभी दिन है तो अभी रात हो जाएगी, ऐसे सुख है तो दुख, इसलिए दोनों परिस्थितियों के लिए बेटियों को और बच्चों को स्ट्रांग करो, मजबूत बनाओ, कमजोर रह गए तो ये बच्चे आत्महत्या कर लेंगे जरा सा दुख आया तो। आत्महत्या कौन कर लेता है, वो लोग जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते अपमान, जरा सा बर्दाश्त नहीं कर पाते संकट मुसीबत, आने वाला जितना भी कठिन समय है वो आया तो लोग आत्महत्या कर, नहीं अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाना कि विषम परिस्थिति में भी डटकर सामना करे, उस पर आई मुसीबत हार जाए पर वो ना हारे, उस पर आई मुसीबत उस पर आया संकट भाग जाए पर वो मैदान छोड़कर छाती में छाती फुलाकर बेटा हो बेटी हो सामना करो अपने जीवन में आए दुख का और सुख का, सुख आए ईश्वर का धन्यवाद दो और दुख आए मजबूत करो, बेटियों को मजबूत बनाना, चूल्हा रोटी सब सिखाना, पढ़ाना लिखाना इंजीनियर डॉक्टर पायलट जज सब बनाना पर चूल्हा भी सिखाना रोटी भी, और लड़का लड़कियों दोनों को चूल्हा सिखाओ, मुझे भी रोटी बनानी आती है, 500 लोगों की रोटी 2 घंटे के अंदर बना सकता हूँ, 500 लोगों का भोजन बनाना खूब अच्छे से आता है हमें, हमें सब कुछ आता है, जो गृह कार्य है हमारी माँ जो कर सकती है वो हमारी माँ ने हमें सब कुछ सिखाया, मैं रोटी बना लेता हूँ, सब्जी बना लेता हूँ, खीर बना लेता हूँ, क्या क्या बनवाना, हलवा बना लेता हूँ, सब कुछ सारी रेसिपी बिंदास सब सब, रोटी एक कुंटल आटा की रोटी बैठ एक बार में बैठ के पूरी रोटी बेल करके उठता था मैं, जब रोटी गुरुकुल में था ना तो वहां रोटी बनानी पड़ती थी, एक कुंटल आटा 100 किलो आटा की रोटी एक बैठक में बनाते थे, चावल बनाते थे, दाल बनाते थे, खाते थे, खिलाते थे, पहले खिलाते थे
फिर खाते थे। सीखा है जीवन की हर पलंग में सोना भी सीखा है और जमीन में सोना भी सीखा है, जूता पहनकर चलना भी सीखा है और नंगे पांव दौड़ना भी। हाँ, हर परिस्थिति के लिए तैयार। माला भी जप लेते हैं और भाला भी चला लेते हैं। जरूरत पड़ी तो माला और जरूरत पड़ी तो हाँ। तुम बनाओ अपने बच्चों को जूजू, फौलादी बनाना मेरी माँ, बेटी हो या बेटा हो दोनों को मजबूत बनाना। समझ में आई बात? सही है कि गलत है? पता नहीं कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए। समय किसी के बाप की बफौती नहीं है, समय बदलता है। राम का समय बदला, माता सीता गुलाब की पंखड़ियों में चलती थी, पर समय बदला तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने जाना पड़ा माता सीता को। समय सब कराता है साहब, समय सब कराता है। मजबूत बनो, मजबूत बनाओ। मैं कभी हिम्मत नहीं हारता और ना मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक सिद्धांत है। मैं मेहनत पर विश्वास करूं, मुझे भूख लगी होगी तो मैं मेहनत करके कमाऊंगा फिर खाऊंगा। मैं किसी के सामने किसी के टुकड़ों पर पलने मैं इस यकीन नहीं करता। मैं क्या कहते हैं आप, बाप के टुकड़ों पर भी मत पलो। सेल्फ डिपेंड, कमाओ अपने, मजबूती से आगे बढ़ो। बाप के नाम से आपकी पहचान ना हो, बाप के टुकड़ों पर ना पलो, पलो आपकी खुद की पहचान होनी चाहिए। आपका खुद का सम्मान हो, खुद की इज्जत, खुद का कमाया धन हो। आज बच्चे बाप के धन पर ऐश कर रहे हैं, बाप की प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहे हैं। अरे ये सब दो कौड़ी के लोग हैं। आपका अपना क्या है, आपकी अपनी पहचान क्या है, आपका अपना कमाया धन क्या है? क्या बाप के काम को आपने बढ़ाया तो आप ठीक हैं, बाप की फैक्ट्री बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी बढ़ाया तो आप ठीक हैं, और वो बेच बेच खा गए तो दो कौड़ी के हैं आप। जो बाप की संपत्ति बढ़ाई तो है नहीं, बेच कर और खा गए। मैया क्या बनाओगी अपनी बेटी को, जूजू क्या 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 बनोगी बेटा? ताकतवर है, ताकत ताकतवर बनना है। ऐसी ताकत जो समाज की सेवा में खर्च हो, ऐसी ताकत जो दीन दुखियों की मदद करने में खर्च हो। ऐसी ताकत ना हो कि तुम अपनी सास की चुटिया पकड़ के दो थप्पड़ जमाओ। ताकत तो वहां भी लगेगी ना, ये ताकत तो ताकत होती है सब जगह खर्च। आप समाज की सेवा करेंगे वहां भी ताकत लगेगी, और आप गलत काम करेंगे उसमें भी एनर्जी तो एनर्जी लगती है साहब। सब में आजकल माँ बाप भी ये संस्कार देते हैं कि बेटा कोई प्यासा पानी मांग ले तो तलाक दे देना पर पानी मत देना। ये संस्कार माँ दे रही है, सही बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट है, मजाक नहीं है और कोई गलत बात नहीं है। मैं आपको गलत बात नहीं सुनाता। तलाक, आजकल की लड़कियों को रोटी बनानी ही नहीं आती। माँ बाप को लगता है इतना पढ़ाया लिखाया है क्या ये चूल्हा फूकेगी। अरे भाई, स्त्रियां चूल्हे में रोटी बनाना, आपका पूरा घर किससे चलता है, किसके लिए कमाते हो? अन्नपूर्णा रसोई, रसोई में स्त्रियां जब भोजन बनाती हैं, वो भोजन जब भगवान को भोग लगकर बच्चा खाता है, पति खाता है, उसी भोजन से एक अच्छी बुद्धि का, एक अच्छे विचार का निर्माण होता है, उसी से सब चलता है। मेरी माँ, स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना बुरा नहीं है, पर ये कह देना कि तुम रोटी बनाओगी क्या, अब बताओ तो रोटी कौन बनाएगा, नौकर? अरे नौकर रोटी बनाएंगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा। हाँ, पहला का जमाना रसोई में सब लोग नहीं घुसते थे, रसोई चौका बर्तन बड़ी पवित्रता का विषय है, लेकिन आज की माँ अपनी बेटी को ये बिल्कुल नहीं समझाती कि बेटा रसोई, रसोई आपके घर में जो रसोई है वो एक मंदिर है। रसोई क्या है? मंदिर है। और वो भोजन जो बनाया जा रहा है वो भोजन नहीं है,
प्रसाद है, प्रभु को भोग लगेगा, घर की गृहणियां बहुत पवित्रता से भोजन बनाएंगी। अब पवित्रता पूर्ण भोजन बनेगा तो जो भोजन पवित्रता से बनेगा तो उसके खाने वाला जो होगा उसके अंदर भी पवित्र विचार आएगा। जब भोजन बनाने वाला गंदा होगा तो तुम्हारे विचार कितने पवित्र होंगे। पुरानी कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न और जैसी राखे शुद्धि वैसी बने मेरी माँ। क्या से क्या हो गए देखते देखते। आजकल की मम्मियां कमाल करती हैं, है ना? बेटियों को कहकर भेजती हैं, इतना दहेज दिया है, ससुराल जा रही हो, कोई तीन पांच करे तो बताना, गुंडे भिजवाऊंगी। और ठीक भी कह रही है, तुम भी तो भिकमंगे बन गए दहेज मांग मांग के। तो अब तो उसने तुम्हें खरीद लिया है, अब तुम्हें तो औकात दिखाएगी ना वो। तुम्हारा अपना भी तो स्वाभिमान तुमने बेच रखा है पैसा लेकर। अब तुम इंसान थोड़ी हो, गधे हो, वो गधे खरीदी है, ठीक तो व्यवहार करा रही है तुमसे गधे की तरह। रिश्ते आज हो ही नहीं रहे हैं, आजकल तो केवल सौदे चल रहे हैं, बिना पैसे के कुछ नहीं है आजकल, हाँ या ना? अब पैसा है तो देख लो भैया,